जनटी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुजरात दौरा, भूपेंद्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। उत्तराखंड सदन में नई दिल्ली में करेंगे रात्रि विश्राम। हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर उत्तराखंड में उत्साह। पूर्व सीएम हरीश रावत ने जताई खुशी, बोले हम भी हमारी कमियों को दूर करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले में हाईकोर्ट पहुंचा आयोग। ब्लूटूथ नकल मामले में पीड़ित छात्रों ने पौड़ी और मंगलोर में दर्ज कराया था मुकदमा। समझौता होने के बाद बरी हो गए थे आरोपी। अवैध खनन परिवहन को लेकर एक्शन में प्रशासन। खनन अधिकारी ने हरिद्वार के कटारपुर में की कार्रवाई, क्षेत्र में मचा हड़कंप। दो स्टोन क्रेशर और एक ट्रैक्टर किया सीज। श्री सिद्ध बलि बाबा महोत्सव का धूमधाम से समापन। अंतिम दिन में गढ़वाली जाकर किया आयोजन, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधा लेकर चलते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो आज सवाईमाधोपुर में है, जहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करूंगा क्योंकि आप मंत्री भी हैं और ममता जी के बाद अलग अलग परिचय कराएंगे और आपको बताएंगे कि उनका अनुभव क्या रहा। नमस्कार, मैं ममता भूपेश, आप सभी को भारत जोड़ो यात्रा की महिला पीसी के अंदर आप सबका स्वागत है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार, जैसे जयराम रमेश जी ने आपको बताया कि 96वां डे आज हमारा चल रहा है और बहुत ही बखूबी हिंदुस्तान का हर राज्य जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वहां के लोग इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर आज हम सब महिलाओं ने राहुल जी के साथ, हमें सौभाग्य मिला कि भारत जोड़ो यात्रा का हम लोग हिस्सा बने। और ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी, तमाम विभिन्न प्रकार की महिलाओं ने आज राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के इस यात्रा में अपना समर्थन दिया। क्योंकि ये मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, और महंगाई का सबसे ज्यादा जो भार पड़ता है वो मैं समझती हूँ महिला के ऊपर पड़ता है। आज जिस तरह से रसोई गैस का सिलेंडर का भाव आप देखिए, बाजार के अंदर जाएंगे तो सब्जी तेल हर चीज का भाव आसमान छू रहा है, और उसकी सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो घर की महिला को महसूस करनी पड़ती है। तो राहुल जी आज जो महिलाओं के प्रमुख मुद्दों को लेके इस देश के अंदर यात्रा लेके चल रहे हैं और महिलाओं के समर्थन में उनकी महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुजरात दौरा, गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होने वाले हैं। शपथ ग्रहण के बाद उत्तराखंड सदन नई दिल्ली पहुंचेंगे धामी। उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुजरात दौरे पर है, जहां पर भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी का गुजरात दौरा, शपथ ग्रहण के बाद उत्तराखंड सदन नई दिल्ली पहुंचेंगे धामी। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गुजरात दौरे पर हैं, जहां पर गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल की शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होने वाले हैं। अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है उनके इस दौरे को लेकर? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर के बाद गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे, और गुजरात में चूंकि आज ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शरीक होने जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में ऐतिहासिक के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सरकार बनाई है, और ऐसे में गुजरात के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को और भी यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी शासित जितने भी राज्य है वहां के मुख्यमंत्रियों को न्यौता दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुछ देर के बाद दिल्ली से गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे, और गुजरात शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के बाद वापस दिल्ली पहुंचेंगे और नई दिल्ली उत्तराखंड सदन में रात्रि निवास करेंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की भी बैठक है संगठन के लिहाज से, तो इस बैठक में भी शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है, और
जो रात्रि विश्राम है वो उत्तराखंड सदन में रात को दिल्ली में ही होगा और उसके बाद अग्रिम जो व्यवस्था होगी उसके लिए अलग से सूचना जारी कर दी जाएगी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के जरिए। जहां तक आज के कार्यक्रम का सवाल है तो मुख्यमंत्री की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि ऐतिहासिक समारोह में ऐतिहासिक क्षणों के भागी बनना चाहते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसीलिए तकरीबन 1 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब वो गुजरात पहुंचेंगे और गुजरात में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के बाद फिर शाम तक वो दिल्ली उत्तराखंड सदन में वापसी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो चलिए आज सांसद डिंपल यादव शपथ ग्रहण कर रही हैं। आपको लेकर चलते हैं लोकसभा जहां पर आप देख सकते हैं कि नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव शपथ ग्रहण में शामिल हुई जहां पर लोकसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। मैं डिंपल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। साइन पहले साइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 61 श्री नकुल के नाथ। थैंक यू स्पीकर सर। ऑनरेबल मेंबर क्वेश्चन नंबर 61 माननीय मंत्री जी विवरण सभा पटल पर रख दी। माननीय मेंबर ऑनरेबल मेंबर प्लीज स्पीकर सर आपकी अनुमति हो तो मेरा प्रश्न थोड़ा लंबा है 4 बिंदु हैं मैं एक साथ पढ़ सकता हूँ। नहीं आप प्रश्न पूछ लें सप्लीमेंट्री भी मिलेगी आपको एक उसके बाद। स्पीकर सर आपके माध्यम से विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट द कलेक्शन ऑफ GST फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग ईच ऑफ द लास्ट 4 years The amount of GST compensation released by the government to the state of Madhya Pradesh during the same period. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब हुए। हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर हरीश रावत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जीत में उत्तराखंड में कांग्रेस सबक लेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कुछ कांग्रेस की अचूक और कुछ कमियां रही हैं जिनको हमें दूर करना होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के लोगों को झूठ और सच में भी फर्क करना पड़ेगा। पूर्व CM हरीश रावत ने कहा कि वह जनवरी माह में एक पदयात्रा भी निकालने जा रही है। यह यात्रा भराड़ी सेन से होते हुए दुधा तौले से लेकर भीकिया सेन तक निकाली जाएगी जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से आग्रह किया है। उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को लेकर हरीश रावत ने कहा कि राज्य सेवा आयोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि युवाओं का भविष्य चाहिए तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पर हमें भरोसा करना होगा। हिमाचल में लोकतांत्रिक शक्तियों की संवैधानिक शक्ति नेहरू अम्बेडकर के सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली कि उनकी जीत इससे बड़ा इससे कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त और हम जो अब 6-7 आदमी के चुनाव हुए हैं उनमें जीत को दिखाना चाहिए। 2024 में देश में राष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के मामले में हाईकोर्ट पहुंचा आयोग। नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े गए थे अभ्यर्थी।
2020 में परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े गए थे अभ्यर्थी, हाईकोर्ट में समझौता होने के बाद बरी हो गए थे। तो वहीं मामले में आयोग ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। यूके एसएससी ने 2018 में 1268 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ हसन पंत फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हसन पंत, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर लगातार यहां पर अगर देखा जाए तो मामला जो है वो गड़बड़ाता नजर आ रहा है, जहां पर विभाग अब आयोग पहुंच चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के मामले में हाईकोर्ट पहुंच चुका है, यानी आयोग। आयोग और नैनीताल हाईकोर्ट में जब आज से इसकी सुनवाई शुरू होनी है, क्योंकि परीक्षा में बावजूद ये एग्जाम को लेकर घोषित करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। 2020 में जो परीक्षा के दौरान नकल करते हुए व्यक्ति पकड़े गए थे, तब का ही मामला था, यानी हाईकोर्ट में समझौता होने के बाद बरी हो गए थे सभी आरोपी। ये एक समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी, जिसमें ये चीज तय किया गया था, लेकिन आयोग ने पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट में दायर किया था, और जिसके बाद 2018 में 1268 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था यूके ट्रिपल एससी के जरिए। 16 फरवरी 2020 को एग्जाम कंडक्ट किया गया था, यानी लिखित परीक्षा हुई थी। ब्लूटूथ नकल मामले में पीड़ित छात्रों ने पौड़ी और मंगलौर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद एसआईटी ने जो गठित सरकार की तरफ से की गई थी 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, और 47 ऐसे उम्मीदवार थे जिनको सही रूप से चिन्हित किया गया था, लेकिन बाद में जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया और जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ, उनके समझौते आपसी समझौता होने के बाद इस मामले को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। आपको बता दें कि हरिद्वार में विभाग के आदेशों के बाद जिलाधिकारी के निर्देशों पर अवैध खनन, भंडारण, परिवहन पर लगातार खनन और राजस्व विभाग की कार्यवाही गतिमान है। खनन अधिकारी हरिद्वार प्रदीप कुमार मैं टीम एक औचक निरीक्षण को कटारपुर की ओर निकले। ग्राम कटारपुर में पहुंचते ही एक ट्रैक्टर सामने से आता दिखाई दिया, जिसमें वाहन को टीम द्वारा चेक किया गया, जिसमें ग्रीट भरी हुई थी। वाहन चालक से ई रवाना तथा भरे उपखनिज संबंधित वे दस्तावेज प्रस्तुत करने को बोला गया, परंतु वाहन चालक ने ई रवाना प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिनके बाद खनन अधिकारी अवैध ग्रिड सहित वाहन को सीज कर साइंस स्टोन क्रेशर कटारपुर के मुंशी को सुपुर्द किया गया। इसके बाद खनन अधिकारी ग्राम कटारपुर में स्थित दो स्टोन क्रेशर में रात को बुग्गियों के माध्यम से अवैध उपखनिज क्रय की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके औचक निरीक्षण हेतु खनन अधिकारी और नायब तहसीलदार फेरूपर के नेतृत्व में राजस्व विभाग और खनन विभाग की टीम द्वारा कटारपुर में स्थित शिव शक्ति स्टोन क्रेशर और साइंस स्टोन क्रेशर कटारपुर की जांच की गई। स्टोन क्रेशर के ई रवाना पोर्टल और मौके पर जमा उपखनिज में कोई भिन्नता नहीं पाई गई, परंतु कौन मौके पर स्टोन क्रेशर के गेट के अंदर दाई ओर एक गड्ढा दिखाई दिया, जो अवैध रूप से पाया गया, और उक्त गड्ढा अवैध खनन होने के कारण स्टोन क्रेशर ई रवाना पोर्टल आईडी तत्काल बंद कर स्टोन क्रेशर को सीज कर दिया गया। मौके पर स्थित स्टोन क्रेशर मुंशी को हिदायत दी गई, अग्रिम आदेशों पर प्लांट में सभी कार्य स्थगित रखें। अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होने पर आज कटारपुर में अवैध औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें बुग्गियों द्वारा स्टोन क्रेशरों में माल लाया जा रहा था, जिसके क्रम में हमारे द्वारा आज शिव शक्ति स्टोन क्रेशर कटारपुर और श्री साई स्टोन क्रेशर को सीज कर दिया गया है। साथ ही मौके पर चलते चलते हमको एक ट्रैक्टर प्राप्त मिला था, जिसको ट्रैक्टर को सीज करके हमने साई स्टोन क्रेशर में खड़ा कर दिया है। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की खनन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई में हमारे साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खनन विभाग की टीम साथ रही। खबर लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खाली जमीनों को लीज पर देगा परिवहन निगम। द्रोण होटल के निकट जमीन को 90 साल की लीज पर देने के लिए निकाला टेंडर। लीज धारक कोई भी कमर्शियल बिजनेस, बिल्डिंग, ग्रुप हाउसिंग, होमस्टे, पेट्रोल पंप, रिलेट बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल बिल्डिंग आदि चला सकता है। निगम की करोड़ों की संपत्ति का चिन्हीकरण हुआ। परिवहन मंत्री चंदन राम दास के निर्देशों पर निगम ने सभी संपत्तियों का सर्वेक्षण कराया। जमीनों को लीज पर देने से कई करोड़ रुपए बढ़ सकता है राजस्व। जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि अब परिवहन विभाग जो खाली जमीन है उनको लीज पर देने की बात यहां पर कर रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से फायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जो परिवहन निगम की खाली जमीन है, परिवहन निगम उन्हें किराए पर देकर अब कमाई बढ़ाएगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। निगम का अनुमान ये है कि इससे सालाना कई करोड़ों रुपए का राजस्व निगम के पास आएगा। और परिवहन निगम के प्रबंधन ने देहरादून में जो द्रोण होटल है उसके निकट स्थित जो पुराना बस अड्डा था उसको लीज देने के लिए टेंडर भी जारी किया है। और यह लीज तकरीबन कम से कम 90 साल का होगा। और इस भूमि पर जो लीज धारक होगा, यानी जिसे जमीन ली है, वो कमर्शियल बिजनेस से रिलेटेड बिल्डिंग या ग्रुप हाउसिंग, होम स्टे, पेट्रोल पंप की बात करें और इंस्टीट्यूट की बात करें, कुछ भी वहां पर चला सकता है। परिवहन निगम के प्रबंधन में के अनुसार यह लीज जो शर्त होगी वो मात्र 90 वर्ष की होगी और अनुपालन न करने पर इसे निरस्त भी किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले इस भूमि को लेकर एक बार लीज देने की प्रक्रिया भी हुई थी जो उस वक्त धरातल पर नहीं उतर पाई थी। वहीं साथ ही साथ बात करें अन्य जमीनों की, तो हरिद्वार में परिवहन निगम का जो अब बस अड्डा बनकर तैयार हुआ है, इसके एक फ्लोर को भी परिवहन निगम किराए पर देने जा रहा है। सिडकुल की मदद से यहाँ पर सभी कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती है। साथ ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में जहाँ परिवहन की जमीनें हैं, जहाँ पर परिवहन की जमीनों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उन्हें कमर्शियल इस्तेमाल में लाया जाएगा। दीपिका जी, मानशु, वही आम जनता को कितना क्या कुछ लाभ इससे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनल बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा सकती है, इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, या फिर और चीजें जो भी है जो आम जनता के लिए काफी मददगार साबित होंगी वो भी यहाँ पर बनाई जा सकती है। जी, निश्चित तौर पर देखा जाए तो जो परिवहन की खाली पड़ी जमीन है वहाँ पर अगर जनता से रिलेटेड कुछ उद्योग की बात करें या फिर इंस्टीट्यूट की बात करें या कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें तो जनता को थोड़ा बहुत राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में एक शिक्षा का प्रदेश भी माना जाता है और यहाँ पर कई तरीके के इंस्टीट्यूट पहले से भी मौजूद हैं। लेकिन अगर विभाग इस ओर कार्रवाई करता है और खुद भी अगर विभाग इन पर अपनी सरकारी संस्थाएं भी चलाता है तो कहीं ना कहीं राजस्व से विभाग को प्राप्ति होगी। और जो परिवहन निगम घाटे का सौदा, जिसे बार बार बोला जाता है कि परिवहन निगम घाटे में है, घाटे से उभरकर और ज्यादा तरीके से अपने आप को मजबूत कर पाएगा। दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हरिद्वार में अपहरण किया 8 माह की बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में बच्चे के अपहरण पर सख्त रुख अपनाया था। एसएसपी हरिद्वार को बच्चे की बरामदगी हेतु कार्रवाई हेतु सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद हरिद्वार में अपहरण 8 माह की बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया है।
रोशनाबाद पुलिस लाइन में डीआईजी गढ़वाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि संजय निवासी श्यामपुर कांगड़ी के बच्चे न होने के कारण उसने हरिद्वार में आशा कार्यकर्ताओं से बच्चे दिलाने की बात कही, जिसके बाद दो महिलाओं ने अपने पड़ोस में रहने वाले 8 महीने के पुत्र को सोते हुए चोरी कर लिया था और चोरी करके संजय को 2.5 लाख में बेच दिया, जिसमें संजय ने दोनों महिलाओं को 50,000 कैश दे दिया, बाकी के 2 लाख बाद में देने का वादा किया। पुलिस ने मामले में आने के बाद हरिद्वार SSC ने क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। डीआईजी गढ़वाल ने खुलासा करने वाली टीम को 30,000 के नाम की घोषणा की है। चिंता को मानते हुए कल लगातार SSP भी हर क्षण इस बीच पूछना मुझे भी ब्रीफ कर रहे थे और क्या प्रगति है उसके बारे में मुझे बताया जा रहा था और ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो है हमें सफलता मिल गई है और पूरी टीम जिसमें मुलजिमान है लगभग है मुलजिम है तो सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तो बहुत खुशी की बात है कि जैसा पुलिस प्रशासन ने ऐसा काम किया है कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं देखा पुलिस प्रशासन का, जल्दी मिल गया बहुत सर जी, हमने सोए तक नहीं, एक एक मिनट बहुत भारी होता है, मैं दिन निकलना बहुत भारी हो रहा था सर जी। मैं बहुत अच्छा काम किया है पुलिस ने, सुधांशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम ने पूरा अच्छा काम किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। उन घटना उन्हें तो जितना जितना हो सके उतना जिसके किसी के साथ ऐसा दोबारा ना कर सके वो सजा दीजिए उनको। कोटद्वार के सिद्ध बलि मंदिर के 3 दिवसीय वार्षिक मेले का समापन हो चुका है। 9 दिसंबर से प्रारंभ हुए इस मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मेले के समापन में मुख्य अतिथि के तौर पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक आचार्य बालकृष्ण पहुंचे, जहां सिद्ध बलि मंदिर के महंत दलीप रावत ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मेले के अंतिम दिन में गढ़वाली जागर का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु सिद्ध बलि धाम पहुंचे। मान्यता है कि सिद्ध बाबा के धाम में आने वाले हर भक्त की मुराद सिद्ध बाबा पूरी करते हैं। कोटद्वार से पापों की तरफ जा रही कार देवीखाल के पास खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोग सवार थी। सभी लोग पापों के समीप एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। सवार में लोगों में से एक की हालत गंभीर, वहीं 4 लोगों के सर और पैर में चोट आई है और 1 सुरक्षित है। हादसे की वजह गाड़ी का स्टीयरिंग जाम होना बताया जा रहा है। सर, इसके बारे में जानते हैं कि रात को करीब दिल्ली से गाड़ी चली थी 9-10 बजे करीब, तो गाड़ी सुबह 5 बजे तक कोटद्वार पहुंच चुकी थी। गाड़ी कोटद्वार में रुकी, उसके बाद जैसी गाड़ी यहाँ से निकली तो 6 बजे के आसपास गाड़ी आपके द्वारीखाल देवीखाल के करीब पहुँची, तो वहाँ पर जो है गाड़ी का जो है स्टीयरिंग लॉक हुआ या कुछ ऐसी लाइट्स क्योंकि ड्राइवर को दिखी नहीं, तो गाड़ी जो है थोड़ी नीचे गई। बाकी इसमें वही था कि मेन स्टीयरिंग लॉक हुई थी, कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आई। रुड़की के काशीपुर में देर रात ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। अग्निकांड में फैक्ट्री जलकर राख हो गई, वहीं करोड़ों के नुकसान होने का अनुमान बताया जा रहा है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री आग का गोला बन गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की है। जोशीमठ में 16 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन गांव मौजूद है और उसी तपोवन गांव में लाटली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिस लाटली महोत्सव में सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि इस अवसर पर छोटी नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया। सेवा इंटरनेशनल के सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जोशीमठ विकासखंड के तपोवन ग्राम पंचायत के अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में किशोरियों के लिए लाटली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पालिका गोपेश्वर की अध्यक्षता पुष्पा पासवान ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुजरात दौरा, भूपेंद्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में करेंगे रात्रि विश्राम। हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर उत्तराखंड में उत्साह, पूर्व सीएम हरीश रावत ने जताई खुशी, बोले हम भी हमारी कमियों को दूर करेंगे।
फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले में हाईकोर्ट पहुंचा आयोग। ब्लूटूथ नकल मामले में पीड़ित छात्रों ने पोड़ी और मंगलोर में दर्ज कराया था मुकदमा। समझौता होने के बाद बरी हो गए थे आरोपित। अवैध खनन परिवहन को लेकर एक्शन में प्रशासन। खनन अधिकारी ने हरिद्वार के कटारपुर में की कार्रवाई। क्षेत्र में मचा हड़कंप। स्टोन क्रेशर और एक ट्रैक्टर किया सीज। श्री सिद्ध बल्ली बाबा महोत्सव का धूमधाम से समापन। अंतिम दिन में गढ़वाली जागर का किया आयोजन। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।